हेलो स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द फ्लावर। आज हम करेंगे फ्लावर लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है थैलेमस के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर लीव्स ऑन थैलेमस। जो फ्लोरल लीव्स के ऊपर थैलेमस के ऊपर जो एडजस्टमेंट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पे देखो तो पहला जो इसका टाइप आता है, फर्स्ट टाइप आएगा इसमें हाइपोगाइनी। हाइपोगाइनी हाइपोगाइनी में क्या होता है, ओवरी जो होती है काफी ऊपर सिचुएटेड होगी, इससे किससे ऊपर सिचुएटेड होगी एज कंपेयर टू अदर फ्लावर पार्ट्स कंपेयर में। अगर इसमें डायग्राम हम बनाए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमने ये ओवरी बनाई, ये थैलेमस पार्ट है और ये ओवरी स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, राइट। और ये इसके अंदर क्या मिलेगी, ये इसके अंदर इस तरह से पैटर्न है, सॉरी सेपल है इसके अंदर, सेपल जो होती है साइड में जो, और ये इसकी पैटर्न्स हैं यहाँ पे जो कलरफुल होती हैं। अब इसके अंदर क्या मिलता है आपको, इसके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा मिलते हैं वो काफी नीचे से इसके अराइज होते हैं। अब देखिए क्या होता है एंथर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गायनोसियम में, ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसीम यहां से नीचे से निकल रहा है, इससे ओवरी के, ओवरी थोड़ी ऊपर है और यहाँ पे क्या है एंथर जो है वो फिलामेंट जो था काफी नीचे सिचुएटेड है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे ओवरी ऊपर की तरफ लोकेटेड हो और जो एंड्रोसीम होता है उसका जो फिलामेंट होती है नीचे लोकेटेड हो, तो ऐसे एंथर को हम कहते हैं यहाँ पे हाइपोगाइनी। इसके अंदर क्या होता है, ओवरी इज लोकेटेड अबो द फिलामेंट बेस, फिलामेंट बेस ऑफ एंथर। एंथर का जो फिलामेंट होता है उसका बेस होता है उससे ऊपर सिचुएटेड होती है ओवरी, तो ऐसी ओवरी कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी कह रहे कि ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर यहां पे। वैसे ओवरी क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये आपको कोमल दिखाई देती है ना, चाइना रोज, किसमें दिखाई देगी, चाइना रोज के अंदर आपको ऐसी ओवरी देखने को मिलेगी, राइट। अब उसके बाद हम यहां पे करते हैं नेक्स्ट आपकी एपिगाइनी, यानी एपिगाइनी क्या होती है, एपिगाइनी हम देखेंगे नंबर सेकंड आएगी एपिगाइनी के अंदर आपको जो ओवरी का स्ट्रक्चर नजर आएगा वो कुछ इस तरह नजर आएगा। ओवरी इसके अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा थैलेमस का, यानी थैलेमस है, ये थैलेमस रहेगा इस तरह से, और इसके अंदर आपको ओवरी नजर आएगी यहां पे, यानी इसके अंदर ओवरी होती है इस बेस के अंदर, फिर यहां से इस तरह से निकलेगा लाइक दिस स्टिग्मा पार्ट, ओवरी इसके अंदर होती है और यहां से पैटर्न सेपल ये निकलती है, सेपल निकलती है और इसके ऊपर से पैटर्न निकल रही है इस तरह से, और यहां पे इस बेस से एंथर निकलेगी, यानी एंथर जो थे इस बेस से निकलेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एंथर का जो फिलामेंट होता है, ये एंथर का फिलामेंट होता है एंड्रोसियम का, ये काफी ऊपर है ओवरी के बेस से, ओवरी काफी नीचे है और एंड्रोसियम काफी ऊपर है, यानी एंथर का फिलामेंट काफी ऊपर है यहाँ पे देख लो। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे ओवरी नीचे लोकेटेड होती है और एंड्रोसियम ऊपर लोकेटेड होता है, ऐसी ओवरी को बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे इसको, इंफीरियर ओवरी। तो लिखेंगे ओवरी
इज लोकेटेड इन ए कप शेप, इन ए कप शेप, इन ए कप शेप थैलेमस, कप शेप थैलेमस में होती है। एंथर फिलामेंट अटैच अबू द ओवरी, कहां होता है? ओवरी के ऊपर होता है, अटैच अबू द ओवरी, ओवरी के ऊपर मिलेगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एग्जांपल देखिएगा, ऐसे ऐसी ओवरी एग्जांपल देखिए, लाइक इन द केस ऑफ बनाना, बनाना के अंदर आपको ऐसी ओवरी देखने को मिलेगी, गुआवा में देखने को मिलेगी, राइट। और ऐसी ओवरी तो नीचे लोकेटेड होती है, ऐसी ओवरी क्या कहते हैं? ऐसी ओवरी कहते हैं इंफीरियर ओवरी। तो ये ओवरी कौन सी होती है? ओवरी इज इंफीरियर, यानी सुपीरियर ओवरी इसमें थी, हाइपोकाइलम थी, और इसमें क्या? इंफीरियर ओवरी इज इंफीरियर, राइट। ओवरी क्या रहेगी? इंफीरियर रहेगी यहां पे। फिर हम बनाते हैं थर्ड जो स्ट्रक्चर देखते हैं यहां पे। थर्ड में बनाएंगे पेरिगाइनम। देखो पेरिगाइनम क्या होता है? पेरिगाइनम में दोनों लगभग इक्वल बेस पे ही होते हैं। देखिए नंबर थर्ड आएगा पेरिगाइनम, पेरिगाइनम के अंदर क्या होता है? ये इस तरह से ओवरी है, लाइक दिस, और इसमें थोड़ा ऊपर से इस तरह एडजस्टमेंट मिलेगा आपको, यानी थैलेमस थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको, आप देखिएगा ये सैपल होते हैं, ये थैलेमस है, नीचे थैलेमस है ये। अब फिलामेंट और ओवरी होती है, ये देखिए ये एंथर होता है, ये एंथर है, एंथर का फिलामेंट है, और ये ओवरी है। ओवरी और फिलामेंट यानी एंथर का जो फिलामेंट है, दोनों सेम पोजीशन से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? दोनों सेम पोजीशन निकल रहे हैं। तो ऐसी ओवरी जो होती है पेरिगाइनम कहलाती है, यानी सेमी सुपीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है। तो देखिए ऐसी ओवरी आपको जनरली देखने को मिलती है इन द केस ऑफ रॉज, प्लांट के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलती है। क्या होता है? ओवरी इज लोकेटेड, ओवरी जो होती लोकेटेड होगी इन सिमिलर प्लेन ऑफ एंड्रोसियम, जो एंड्रोसियम होता है उसके सिमिलर प्लेन पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगी ओवरी की। तो ऐसी ओवरी क्या कहते हैं? ऐसी ओवरी को कहते हैं यहाँ पे पेरिगाइनम, यानी ऐसी ओवरी क्या होती है? ऐसी ओवरी सेमी सुपीरियर ओवरी, या इसको आप लिखते हो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी, सेमी सुपीरियर ओवरी, ओवरी कहते से। और कहां दिखाई देगी? इन द केस ऑफ ब्रॉच। तो ये थी थैलेमस के ऊपर जो अरेंजमेंट्स होती है इनकी।